ये जो है अब देखो अब सद आ गया होगा अब हेलो सही है अब इसको कौन ठीक करता से तो सब ठीक हो गया था टेक्निकली सब ठीक था तारी ने जुड़ा हुआ है ओके तो वापस आ जाओ अब साउंड आ गया होगा बच्चे जो जो क्लास से लॉग किया था लॉग आउट हो जाओ ओके तो पेपर थ्री पेपर थ्री में तीन सेगमेंट है बिजनेस मैथ एलआर और बिजनेस स्टेट तीन चीज है क्या मुझे बताओ तीनों का इंपोर्टेंस एग्जाम में इक्वल है मैथ का चालीस एल आर का बीस इस। और स्टेट का इक्वल तो नहीं है मतलब तीनों का इंपोर्टेंस इक्वल नहीं है इंपोर्टेंस को हम क्या बोलते हैं वेट ठीक है कोई ज्यादा इंपोर्टेंट आदमी उसका वेट हम ज्यादा देंगे कोई लेस इंपोर्टेंट है उसको हम वेट कम देंगे लेस वाले को बोलेंगे तू एक है तो तेरे के हिसाब से वो चार के बराबर है वेट एक है तो उसका चार गुना वेट हो गया चार वेट हो गया तो ऐसे कुछ वैल्यू हो जिसका इंपोर्टेंस या वेट इक्वल नहीं हो तो उस केस में सिंपल मीन नहीं निकालते सिंपल मीन मतलब सीधा जोड़ के सिंपल हम कब मानते हैं सबको एक मानते हैं सबको पांच आदमी है तो सबको एक एक मानेंगे पांचों को जोड़ के पांच से डिवाइड लेकिन दो ही आदमी है अब एक को एक मानते हैं दूसरे को उसका चार गुना चार मानते हैं तो डिवाइड कैसे करेंगे पांच से तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेटेड मीन कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर हम लोग देखेंगे देयर आर देयर आर सम वैल्यूज एंड एंड इच वैल्यू इज नॉट इज नॉट इक्वली

वेटेड मीन देन वेटेड मीन इज कैलकुलेटेड पहला पॉइंट तो ये लिखो देर आर सम वैल्यूज एंड इच वैल्यू इज नॉट इक्वली इंपोर्टेंट मान लो सिंपल सी बात है एक स्कूटर पर क्या बोलते हैं थ्री व्हीलर पे मान लो पीछे तीन सीट होता है तीन लोग बैठेंगे अब एक आदमी ऐसा जाकर बैठ गया जो दो सीट के बराबर बैठ गया अब कोई तीसरा दूसरा आदमी जाकर बैठा तो बताओ किराया इक्वल नहीं ना अगर ये एक रुपया देगा तो ये दो रुपया देगा ये भी चीज है सेम चीज अगर टोटल खर्चे होंगे तो उसको कैसे बांटेंगे वन इज टू टू रेशियो में तो ये इंपॉर्टेंस है ये वेट है तो क्या लिखा देर आर सम वैल्यूज एंड इच वैल्यू इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट सबका वैल्यू इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है दैट इज दे हैव डिफरेंट वेट ब्रैकेट में इंपॉर्टेंस अलग है वेट अलग है देन वेटेड मीन इज कैलकुलेटेड और कैसे तो ये सिंपल मीन कैसे निकालते हैं, सीधा जोड़ के N से डिवाइड, तो वेटेड मीन कैसे निकालेंगे देखो तो यहां पर क्या होगा कुछ वैल्यू होंगे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको मैथ में तीस नंबर मिला एल में अठारह नंबर मिला और स्टेट में आपको मिला थर्टी फाइव मैं ओरली बोल रहा हूं लिंक करने के लिए और एग्जाम में वेट गिवन होगा कभी क्वेश्चन पूछ आज तक वैसे पूछा कभी नहीं है ना थ्योरी में नोमेडिकल लेकिन कभी आ जाता है ना तो वेट पक्का दिया होगा अब वेट कैसे दिया होगा या तो सीधा दे दिया होगा डायरेक्टली या ऐसे दिया होगा इन पेपर वन एंड पेपर थ्री इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर वन एंड पेपर थ्री इज डबल द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर टू ऐसे बोलेगा तीन पेपर है

तो या तो एक्चुअल वेट गिवन होगा या ऐसे स्टाइल से दिया होगा डबल है ट्रिपल है ऐसे करके तो वेट आपको जब भी ऐसा दिया हो तो ये एक्स हो गया ये वेट हो गया तो आप देखो ध्यान से वेटेड मीन कैसे निकालते हैं ये किसका सिंबल है मीन का इसमें लगा देंगे ना डब्लू नीचे तो ये सिंबल हो गया वेटेड मीन का ये सिंबल हो गया वेटेड मीन का अब फॉर्मूला क्या होता है इसका तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं लेकिन लैंग्वेज में बोलने के साथ

मल्टीप्लाई करो डब्लू एक्स कितना सिक्सटी एटीन सेवेंटी फिर इसको ऐड करो ऐड करो साठ प्लस सत्तर प्लस अठारह वन फोर्टी एट और ये बताओ यहाँ से वेट का टोटल कितना फाइव तो आंसर कैसे निकालेंगे वन फोर्टी एट डिवाइड में फाइव तो फाइव से डिवाइड कर दें ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए जब निकालने के लिए आएगा ना कभी भी तो वेट आपको गिबेन होगा और कैसे गिबेन होगा तो मान लो तीन पेपर है या दो पेपर है तो आपको रेशियो स्टाइल में दिया होगा कि पेपर वन टू थ्री का वेट बाकी जो पेपर है उसका आधा है बाकी सबका दो दो मान लो उसका आधा कितना हो गया एक एक मान लो ऐसे तो ये रेशियो वाले स्टाइल में दिया होगा या फिर सीधा सीधा गिबेन हो ये एक्स है ये बगल में इसका वेट है तो वेटेड मीन निकालो तो और आसान हो जाएगा तो कब निकालेंगे वेट्स ऑब्लिक आर आर नॉट इक्वल दे डिफरेंट तब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे तो वेरिएबल को वेट से इंटू करेंगे एड करेंगे और किसे डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट्स तो वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट इतना है अब हम लोग सीखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ स्टेट में क्या आता है ना प्रॉपर्टीज होता है और यूज होता है एप्लीकेशन वो ज्यादा आता है ट्रेडिशनल चीज कम आएगा कभी ऐसा नहीं आएगा कोई सीरीज दे दिया इसका मीन निकालो बहुत कम चांस है मीन निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए तो अगला हेडिंग हम लोग देंगे हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया एथमेटिक मीन का तो हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एथमेटिक मीन प्रॉपर्टीज ऑफ

इसका मीन कितना होगा एथमेटिक मीन कितना होगा अब दो बार दस हो चाहे तीन बार दस हो चाहे पचास बार दस हो कितने बार वैल्यू नहीं पता सब दस के इक्वल है तो मीन कितना होगा दस ही होगा ही और एक चीज ध्यान देना एथमेटिक हो गया लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कोई सा भी एवरेज टेन ही होगा बताओ इसका जी अभी हमने निकाला नहीं है बाकी चीज बट मैं बता दू एवरेज टेन ही होगा मतलब इसका सब कुछ टेन है, जीएम टेन एच एम टेन एम ई एम हाँ मीडियन गेस कर लो आप मीडियन टेन एम जीरो जो देखोगे टेन ही नजर आएगा तब तो सब कुछ अलग अलग होगा और उसमें मीन कैसे निकालते हैं सबको जोड़ के से डिवाइड अब बाकी चीज कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे ठीक है ये प्रॉपर्टी क्या है इफ ऑल वैल्यूज आर सेम तो एवरेज इज आल्सो इक्वल टू द सेम वैल्यू अगर अलग अलग होगा तो फिर तो सब अलग अलग होंगे और अलग अलग फिर निकाला जाएगा हमने अब तो क्या सीखा है मीन निकालना बाकी चीज सीखेंगे हाँ क्या किस में ओ जीएम में जीरो डाल दिया गलती किया है एकदम सही ये सब बच्चे ध्यान देना है और सही करवाना है कहीं हो जाए तो तो बताओ पहला प्रॉपर्टी किसका है मीन का है या सब का है सब का है पहला प्रॉपर्टी सीधा सीधा एवरेज का है चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास इज इक्वल टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर देन व्हाट इज मीडियम हाइट ठीक है कुछ भी पूछ ले एवरेज हाइट वन सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर अब चांस की बात है सबका 160 ही है तो एवरेज भी, भी क्या होगा 160 तो पहला प्रॉपर्टी सिर्फ मीन का नहीं है ये सबका है ओके दूसरे प्रॉपर्टी पे आ जाओ जो, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखने से पहले आप याद करके बताओ मीन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज में यही बताया था मीन बराबर क्या सबका जोर बाई एन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ एक्स बराबर क्या मिला एन इंटू एक्स बार अब ये जो सिग्मा एक्स बराबर निकला एन इंटू एक्स बार यही इसका स्टेटमेंट है जिसको हम लिखने वाले हैं इसी का स्टेटमेंट लिखने वाले हैं सभी का सिग्मा सिग्मैक्स मतलब अलग अलग एक्स होंगे उन सब का तो सभी का समेशन किसके इक्वल एन मल्टीप्लाई में मीन कहने का मतलब इसका स्टेटमेंट क्या देखो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज अब ये क्या है उसके बाद इज इक्वल टू तो मैं लिख दिया इज इक्वल टू कहां तक लिख दिए समझ में आया इक्वल टू तक इक्वल टू के बाद क्या है प्रोडक्ट इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ के इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद किसके साथ विद

एन गिवेन है और मीन गिवेन है देखो मीन पचास है ठीक है मीन पचास है इसका मतलब एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू कितना होगा होगा हमें नहीं पता सबका अलग अलग लेकिन पचास का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज सब 50 है तो अगर पांच लोग हैं पांच लोग है, लोग है और उसका एवरेज पचास है उस पचास का मतलब क्या है ऑन एन एवरेज सब पचास है तो पचास कितने बार है पांच बार तो सबका जोर कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो मतलब एक मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ नॉर्मल लॉजिक तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अगर पचास है, हम क्या उसका जोड़ सौ होगा, तीन है, तो तीन से कर दो, होगा। तो, हाँ पांच है तो ढाई सौ हो जाएगा तो मीन को, को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सभी का समेन ठीक है, है जैसे मान लो पांच स्टूडेंट मिलके पांच स्टूडेंट मिलके कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा करके दिया तो एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या मिला देखो पांच स्टूडेंट है पांच बच्चे हैं और मैंने यहां लिखा एवरेज कंट्रीब्यूशन एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या मिला रुपीज एट्टी एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या मिला रुपीज एट्टी तो किस बच्चे ने कितना कितना दिया हमें नहीं पता लेकिन पांचों मिला के कितना दिया यह पता है तो बता टोटल कलेक्शन कितना यस yes. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो एन इंटू मीन पांच इंटू में एट्टी कितना आ गया आठ पंच चालीस चार सौ किसने कितना दिया नहीं पता हो सकता कोई नहीं भी दिया हो जीरो दिया हूं. हो सकता कि चार बच्चा जीरो कितने बच्चे हैं पांच चार जीरो दे दिया जीरो मेरे पास कुछ नहीं भाई अगली बार देंगे जीरो जीरो चार जीरो दिया तो एक जो है अकेला ही दे दिया तो एवरेज क्या निकला एट्टी तो टोटल कलेक्शन कितना है चार सौ तो टोटल कलेक्शन निकल जाता है ठीक है अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत टाइप का हो सकता है बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे मैं क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्वेश्चन देखना जरूरी है ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली होमवर्क सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो मैं होमवर्क सेक्शन में आ जाता हूं कुछ क्वेश्चन आपको वहां से प्रैक्टिस करवाते हैं देखो कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करना है और आप इंडिकेट कर लो कि ये होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी ठीक है पेज नंबर देखो इसमें 94 है आपके बुक में भी नाइनटी फोर है नाइन्टी थ्री हाँ तो पेज नंबर नाइन्टी थ्री जिसके पास बुक नहीं है रिफरेंस के लिए पेज नंबर नाइनटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऐसे लिख लेना रिफरेंस के लिए या इतना लिख लोगे ना होमवर्क सेक्शन का ट्वेंटी तब भी चल जाएगा ठीक है देखो क्या लिखा है मीन वेट ऑफ पंद्रह स्टूडेंट कितना एक सौ दस दिख रहा है ना पंद्रह बच्चे का मीन वेट एक सौ दस है तो मुझे बताओ इन पंद्रह बच्चे का मीन एक सौ दस है तो उन पंद्रह बच्चे का जो वेट है उसका टोटल कितना होगा कैलकुलेटर लो कैलकुलेटर लो पंद्रह को मल्टीप्लाई कर देंगे मीन से एक सौ दस से क्या मिला 1650 क्या मिला जो 15 स्टूडेंट है ना सबका जो अलग-अलग वेट -अलग होगा ना उन सबका जोड़ 1650 अब क्या लिखा है मीन वेट ऑफ फाइव ऑफ देम इज 100 केजी मतलब उस 15 में से पांच बचा जो है ना उसका मीन कितना है मतलब फिर उस पांच का जोर कितना 500 आगे पढ़ते हैं अनदर फाइव उस पांच के अलावा और जो बाकी पांच है उसका मीन कितना 125 तो उस बाकी पांच का जोड़ कितना एक सौ पचीस इंटू पांच छो उसका जोड़ आ गया तो हमसे क्या पूछा है? Mean weight of remaining student. बताओ remaining student कितना बचा? पांच. तो क्या करोगे समझ ये पूछाप्लाई के कॉन्सेप्ट सोलह सौ पचास किसका पंद्रह का, का जोड़. उसमें से जो दो बार पांच पांच है उसका जोड़ हटा देंगे तो एक बार पांच सौ हटा दिया माइनस करो सोलह सौ पचास माइनस में पांच सौ फिर माइनस में 625 पच्चीस ये मिला 525 पच्चीस अब ये 525 पच्चीस किसका जोर है जो बाकी पांच बच्चे बच बच्च गए उसका जोर है किससे डिवाइड कर दो पांच से तो ऐसे क्वेश्चन मैनुअल ही जल्दी बनता है कितना आंसर एक सौ पांच बाकी शॉर्टकट देखना है तो आप देख लो इतना काफी है पंद्रह इन टू में एक सौ दस इससे क्या मिला पूरे पंद्रह बच्चे का जोर उसमें से इस पांच का एवरेज दिया है इस इस पांच का जोर हटा देते हैं पांच सौ फिर जो बाकी पांच है उसका एवरेज यह दिया है तो पांच इंटू एक सौ पच्चीस कितना ये 625 सौ पच्चीस भी हटा दो ठीक है तो बताओ बाकी जो बच गया ये जोर किसका बच गया रिमेनिंग पांच दस बच्चे हट गए तो बाकी पांच का जोर बचा होगा उसको हम एवरेज निकालेंगे उसका क्या चाहिए मीन तो किससे डिवाइड कर दो पांच से तो ये इसका आंसर आ जाता है तो इस पूरे कैलकुलेशन में किस कॉन्सेप्ट का यूज है एन इन मीन का मतलब एन को और मीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो समेशन आता है उसी कॉन्सेप्ट का यूज है इसके लिए बस कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए उसी से क्वेश्चन बन जाता है कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है इसमें बस जितना मैंने लिखा लिखना हो तो इतना ही लिखना इससे अधिक नहीं लिखना जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बिल्कुल बना के दिखाओ सेम कॉन्सेप्ट एकदम सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल बना दोगे पांच क्वांटिटी का एवरेज कितना दिया है उसमें से तीन का तीन का एवरेज कितना है आठ तो बाकी दो का कितना एवरेज बहुत सिंपल मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी से बन जाएगा बताओ पांच का एवरेज कितना दिया छे तो इस पांच का जोड़ कितना तीस एकदम सही तीस ये तीस किसका है पांचों का जोड़ उसमें से तीन का एवरेज कितना दिया है चौबीस इसका जोड़ हटा दोगे तो कितना बचा छह बचा किसका जोड़ बाकी दो का जोड़ तो दो से डिवाइड कर दो देखो पांच में छत्तीस किसका जोर है पांचों का जोर उसमें से तीन का जोर तीन का एवरेज आठ है उस तीन का जोर चौबीस हटा देंगे दो से डिवाइड कर दो ठीक है अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कॉन्सेप्ट क्या है आपको वही अप्लाई करना है जो आपने सीखा है दस बच्चे का एवरेज एज कितना साल बीस साल तो बताओ उन दसो बच्चे का एज का जोर कितना होगा दो सौ साल दस स्टूडेंट है ना उन सब का एज का जोर दो सौ साल एवरेज एज टू टूर्स वेन यही समझना है वेन? टू न्यू स्टूडेंट ज्वाइन ग्रुप दो बच्चा और आ जाता है मतलब दस से कितना बच्चा हो जाता है बारह बच्चे तो एवरेज कितना हो जाएगा एवरेज कितना हो जाएगा एवरेज एज इंक्रीज Two years, कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू एकदम सही मतलब इस क्लास में जो भी एवरेज है दो स्टूडेंट और आ गया ना एवरेज दो बढ़ गया तो दस स्टूडेंट है उसका एवरेज है बीस दो बच्चे और आ गया कितना हो गया? 12 हो गया? गया बाईस ठीक बात है अब क्या पूछा एवरेज एज ऑफ द टू न्यू स्टूडेंट जो है ना उसका एवरेज क्या होगा उस दो बच्चे का जोर पता चल जाए ना उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो उसका आ जाएगा एवरेज तो बताओ दस का जोर कितना होगा दो सौ जब बच्चे बारह हो गया तो जोर कितना होगा बाईस से मल्टीप्लाई दो सौ बच्चे ये कितना बढ़ गया सिक्सटी फोर क्यों बढ़ा दो स्टूडेंट के वजह से ये दस स्टूडेंट है उसके बाद कितना हो गया बारह स्टूडेंट तो यहां पर दो स्टूडेंट उसका जोर कितना होगा इससे ये पता चला माइनस करके ये स्टूडेंट है समझो समाधान के लिए इतना ही कैलकुलेशन काफी है अदरवाइज हम इसी को जो है से पूरा पेज में भर के लिखने से कोई फायदा नहीं है लिखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इनिशियल इन्फॉर्मेशन जब बच्चे आ गए तो फाइनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देखो दस का एवरेज बीस तो दस का जोर दो सो. दो स्टूडेंट और आ गया बारह स्टूडेंट एवरेज दो बढ़ गया बाईस हो गया तो अब बारह का जोड़ कितना दो सौ चौसठ तो दस का जोड़ मतलब जो दो सो तो बारह दो सौ चौसठ इसका कितना बत्तीस तो एवरेज तो चाहिए तो एवरेज होगा दो का समेशन चौसठ है तो एवरेज चौसठ डिवाइड में टू बत्तीस ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है होमवर्क सेक्शन में जितने क्वेश्चन है उसमें से नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा है ना वो क्वेश्चन है पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो देख लो टोटलिटी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करके जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसी से क्वेश्चन बन रहा है ठीक है तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन क्लास वर्क सेक्शन में उसको भी दिखाते हैं उसको अब आप ट्राई करोगे क्लास वर्क सेक्शन में आ जाओ और क्लास वर्क सेक्शन के क्लास वर्क सेक्शन के क्वेश्चन देखोगे बच्चे आप क्वेश्चन नंबर एट इसको बनाओ क्वेश्चन नंबर एट बताओ थर्टी फाइव स्टूडेंट का वेट कितना एवरेज चालीस हाँ वेट ऑफ टीचर को इंक्लूड कर लोगे अभी पैंतीस स्टूडेंट है उसका एवरेज दिया है? फोर्टी अगर टीचर का वेट भी इंक्लूड कर लो तो एवरेज राइजेस बाई हाफ के जी मतलब एक टीचर आ गया ना तो टोटल आदमी कितना पहले पैंतीस बच्चे थे एक टीचर और आ गया कितने आदमी छत्तीस छत्तीस का एवरेज कितना फोर्टी पॉइंट फाइव आधा किलो एवरेज बढ़ा है तो आदमी जब छत्तीस हो गया था एवरेज हो गया फोर्टी पॉइंट तो पूछा टीचर का वेट कितना सिंपल है कि नहीं बताओ इसको यहां पर लिख लेते हैं क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर एट थर्टी फाइव स्टूडेंट का एवरेज चालीस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये आ गया फोर्टीन हंड्रेड के जी टोटल वेट है किसका थर्टी फाइव स्टूडेंट का अब अगर थर्टी फाइव प्लस वन टीचर थर्टी फाइव स्टूडेंट कितने आदमी हो गया छत्तीस तो उसका एवरेज कितना है उसका एवरेज फोर्टी पॉइंट फाइव आधा के जी बढ़ गया तो इसका टोटल कितना छत्तीस इंटू फोर्टी पॉइंट फाइव आ गया फोर्टीन फिफ्टी एट के जी अब बताओ इधर माइनस करोगे तो क्या बचेगा एक टीचर पैंतीस स्टूडेंट एक टीचर का वेट का जोर है अब पैंतीस स्टूडेंट का जोर है घटाओगे तो पैंतीस स्टूडेंट पैंतीस स्टूडेंट कट गया यहां बचा एक टीचर और यहां बचा फिफ्टी एट के जी तो बिल्कुल ये टोटलिटी कॉन्सेप्ट का है टोटलिटी मतलब एन को मीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू आता है तो उस हिसाब से यहां पर टीचर का वेट फिफ्टी एट के आ गया ठीक है तो सेकेंड पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंट समझ में आ गया एक थोड़ेल आस्पेक्ट है दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आगे भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन क्या ब... ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो ऐसे बनेगा हाँ ऐसे बनेगा कोई भी रहेगा सही बात है सही स्टेटमेंट बोला है कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि सर सारे क्वेश्चन ऐसे बनेगा ठीक है लेकिन ये ठीक से बोला है ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा अब ऐसा क्वेश्चन का पहचान करना होगा आपको ठीक है अब ये नहीं कि सर मुझे सारा क्वेश्चन ऐसा ही दिखता है तो ये भी अजीब सवाल हो जाएगा ओके तीसरे पॉइंट पे आ जाओ तीसरे पॉइंट पे आ जाओ तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड कंबाइंड कंबाइंड मेजर्स प्रॉपर्टी ये जो पॉइंट हो गया यहां पर कंबाइंड ओके okay, देख लिया स्टेटमेंट समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज किसके होता है आ? बताता हूं अभी डिफरेंस डेविएशन मतलब डिफरेंस ऑफ मतलब माइनस एक्स का माइनस सही क्वेश्चन पूछ रहे हो कहां से माइनस तो क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्चुअल मीन से चाहे जो मीन से किसी नंबर से तो जितने भी एक्स है उसमें से कोई भी चीज माइनस करते हो कोई कांस्टेंट माइनस करते हो उसी को डेविएशन बोलते हैं अभी दोबारा आएगा ठीक है सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद एथमेटिक मीन का टोटल कंट्रीब्यूशन हाँ ये कंट्रीब्यूशन ही था ना इसको हमने नाम दिया था कंट्रीब्यूशन देखो इसको नाम क्या दिया था एवरेज कंट्रीब्यूशन एट्टी तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा एन इन टू मीन करके आगे लिखा हुआ है रुपीज फोर हंड्रेड अरे जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं आराम से पेज रखना यहाँ आना क्लास के बाद अच्छा से लिखवा देंगे ठीक है हाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए बाकी लिख ये सब ठीक है ना ठीक है ठीक है ऐसे में तो बहुत देर हो जाएगी समझने पर ध्यान दो समझने पर ध्यान दो उसके बाद जो लिख लेता है ना अच्छा से उसी कॉपी से बढ़िया से लिख लेना है नहीं तो मोबाइल से फोटो खींच के घर पे जाकर आराम से फिर करना है हाँ ये सब भी सही है समझ में आना चाहिए पहले ये नहीं कि लिखने के चक्कर में समय नहीं गया जो स्लो लिख पाते हो मत लिखो जितना लिख पाते हो समय पर ध्यान दो समझ में आ जाए फिर किसी कॉपी से अच्छा से लिख लो या फिर क्लास के बाद यहाँ आके लिख लो ठीक है या मोबाइल है तो फोटो खींच लो घर पर जाके फिर बढ़िया से लिख लो दोबारा समझ में आएगा ठीक ये तरीका है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा आपका ओके पॉइंट नंबर थ्री में आ जाओ इसका नाम है कंबाइंड एथमेटिक मीन अब याद करो पिछला क्लास कंबाइंड मेजर्स प्रॉपर्टी इसका एक और नाम होता है फुल्ड मेजर्स प्रॉपर्टी इसी को एक और नाम से बोलते हैं क्या बोलो कंबाइंड मेजर्स प्रॉपर्टी ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स प्रॉपर्टी इसका एक और नाम है क्या, क्या नाम है अभी देखो जब आप अगर कल रिवाइज करके आते तो अभी आपको याद रहता है। और अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो ये चीज आपको याद नहीं रहेगा बहुत सिंपल चीज है अब मुझे बताओ किसको याद आ रहा है ये बताओ डिजेरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी या कंबाइंड मेजर्स प्रॉपर्टी किस एवरेज में अप्लाई होता है कुछ याद आया मैथमेटिकल एवरेज तो आप देखो कॉपी देखो अगर आप देखोगे तो आपको याद आएगा नहीं तो फिर देख लो आप पिछला क्लास घर पे ही छोड़ के आप आगे हो तो ऐसे में दिक्कत होगा कुछ नहीं है बस एक बार क्लास में मैंने कहा था दो बार घर पे रिवाइज करना अगर आप रिवाइज करोगे तो अभी आपका रिस्पांस फटाफट आता अगर नहीं रिवाइज करोगे तो बीस हो गया फिर तो झोला उठाए क्लास में आए और फिर उठा के जाके वहां रख दिए कहीं पर टांग दिए फिर अगले क्लास से पहले उठा के ले तो ऐसे में दिक्कत होगा अरे एक बार क्लास में और अगले क्लास से पहले दो बार घर पे ये पढ़ने का तरीका है बाकी किसी और चीज का चिंता मत करो करना पड़ता है बच्चे ऐसे तो नहीं होगा चलो तो मैथमेटिकल एवरेज और मैथमेटिकल -मैथ एवरेज कौन कौन सा है ये तो बोल दो एम जी एम एच एम तो ये प्रॉपर्टी एम में जी एम में और एच एम सब में अप्लाई होने वाला है तो चलो लिखते हैं एक है, एक ग्रुप ग्रुप है है भी लिखते जाते हैं जिसमें पांच लोग हैं ठीक है थीके? या पांच जगह कैसा करते हैं छह कर देते हैं एक ग्रुप है छह स्टूडेंट है उस ग्रुप का एवरेज कितना है पंद्रह ठीक है एक दूसरा ग्रुप है उसमें चार स्टूडेंट है चार लोग है उसका एवरेज कितना है दस किसने क्या कहा दोनों ग्रुप को कंबाइन कर दो सिंगल ग्रुप बना दो ये छह दस लोग हो गया दस लोगों का इकट्ठा एवरेज कितना होगा भाई बताओ तो हम निकालेंगे एक्स बार ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब ग्रुप वन ग्रुप टू मिला के कंबाइंड एवरेज तो बताओ क्या कॉमन सेंस है क्या होगा कि कंबाइंड मतलब कितने लोगों का एवरेज दस का एवरेज तो सबका जोड़ ऊपर और डिवाइड किसे करेंगे टोटल नंबर दस से एन वन प्लस एन टू कहाँ आएगा नीचे टोटल नंबर एन वन प्लस एन टू नीचे आजाएगा? आ जाएगा ऊपर क्या आएगा बताओ सबका समेशन बताओ एन वन को मल्टीप्लाई करो एक्स वन बार से एन वन एक्स वन बार ये क्या दिया पहला ग्रुप का समेशन अभी बताया था ना एन को मीन से मल्टीप्लाई करते समेशन बताओ एन टू को मल्टीप्लाई किया एक्स टू बार से दूसरे ग्रुप का समेशन बीच में प्लस कर दो दोनों का मिला के समेशन आ उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो यस yes, तो फॉर्मूला के पीछे लॉजिक भी है बाकी याद रखो तो अच्छा है बताओ एन वन में एक्स वन बार सिक्स इंटू में पंद्रह नब्बे चार इंटू में दस चालीस डिवाइड में एन वन प्लस एन टू कितना कितना आ गया मीन वन थर्टी बाई टेन मतलब थर्टीन कंबाइंड मीन थर्टीन ठीक है किसने हैंड रेस किया हुआ भाई हैंड रेस हैंड रेस खत्म करो ठीक है ओके okay. ये क्रॉस क्रॉस टैली करो बताओ पहला ग्रुप का समय से नब्बे दूसरे का समय सबका जोड़ कितना होगा एक सौ तीस है तो सही कंबाइंड एवरेज कितना है सबका एवरेज कितना है तेरह कितने लोगों का एवरेज तेरह है दस लोगों का उसका भी टोटल कितना है एक सौ तीस ये मैथमेटिक्स है कंबाइंड निकालने का अब आपके सामने मैं इसी में एक चीज रिवर्स करके बताता हूं देखो पहला ग्रुप का मीन कितना है इसी क्वेश्चन को देख के बोलो पंद्रह दूसरे का मीन कितना है दस और मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं उल्टा कंबाइंड मीन कितना है तेरह मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा अलग स्टाइल से लिख रहा हूं अब आपसे मैं क्या पूछूंगा ये गिवन है अब आपसे क्या पूछेगा पता है आपसे पूछेगा बताओ एन वन और एन टू का रेशियो क्या है ये क्वेश्चन पूछेगा दो टाइप का मेन क्वेश्चन होता है अगर सब कुछ गिवन है तो कंबाइंड मीन उल्टा कंबाइंड मीन गिवन है ना पहला मीन दूसरा मीन कंबाइंड मीन दिया है ना तो क्या पूछेगा एन वन एन टू का रेशियो तो एक तरीका क्या है कि इन सबको फॉर्मूला में रख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करने के बाद रेशियो आ जाता है बट इसका एक शॉर्टकट है कोई स्टूडेंट अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो वहां पर रूल ऑफ एलिगेशन कहलाता है एक अगर आपको एन वन एन टू करना चाहिए ना ये टू का डिफरेंस पहले और वन का डिफरेंस बाद में दस में तेरह में डिफरेंस कितना है तीन पहले अब पंद्रह में या तेरह में डिफरेंस कितना है दो बाद में ये ऐसे रेशियो आ जाता है देखो दो चीज है इस डिजाइन को पहचान लो ये पंद्रह कंबाइंड कितना है? तेरह अगर आपको वन और टू में रेशो चाहिए एन वन एन टू में रेशियो चाहिए तो क्या होगा टू वाला डिफरेंस पहले आएगा और वन वाला डिफरेंस बाद में ये रेशो किसका आ गया एन वन एन टू का ये ध्यान में कभी कंफ्यूजन में मत ले आना कि टू वाला डिफरेंस पहले आ गया तो ये एन टू है ये एन टू नहीं है ये एन वन ही होता है ये शॉर्टकट है नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना उसमें सब कुछ रख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा आंसर तो उसमें टाइम लगेगा तो ये मैं आपको रटने के लिए ही बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ एक ये चीज है दूसरा ये है इस दोनों को मिला के कंबाइन करके ये मिला तो ये दोनों किस रेशियो में मिला ये दोनों किस रेशियो में मिला एन वन एन टू का रेंस चाहिए उसका फॉर्मूला है एन वन एन टू टू का डिफरेंस पहले वन का डिफरेंस बाद में रेशियो किसका आता है ये N1, N2 का आता है तो ये थ्री और टू का आया चेक करो ऊपर तो तो से आप ऐसे रेशियो निकाल सकते हो कहीं भी दो चीज है कंबाइन करके कंबाइन आया तो उसका रेशियो क्या होगा तो टू वाला डिफरेंस पहले और वन वाला डिफरेंस बाद में तो ऐसा आपको रेशियो भी मिल जाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो दिखाते हैं क्वेश्चन सबसे पहले तो आप ये लिख लो पहले तो आप ये लिख लो क्वेश्चन को इस डिजाइन से दो डिजाइन से आप लिख लो एक तो ये एग्जाम्पल दूसरा ऐसे लिख लो और करके एक्स वन दिया है एक्स टू गिवन है एक्स ट्वेल्व भी गिवेन है, भी है वन तुग एन वन इज टू एन टू बराबर क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना ये कैसे निकलेगा तो एरो देख करके ऐसे लिख लो आंसर और इससे रिलेटेड बुक में जो कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रैक्टिस करना है उसको देख लेते हैं एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड में टोटल नंबर कंबाइंड मीन आ गया निकालना है तो कंबाइंड मीन गिवन है तो रेशियो कैसे आएगा ये चीज है ठीक है तो आप क्या करो सबसे पहले कंबाइंड मीन के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन बनाओ बिल्कुल बनने वाला है क्या लिखा है देखो दो ग्रुप है सेवन नंबर क्वेश्चन दो ग्रुप है तीस और बीस क्या उसके ऑब्जर्वेशन एन वन एन टू एन वन तीस एन टू कितना बीस अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हमने लिख दिया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलोगे एन वन जल्दी भी अप्लाई कर सकते हो अगर हम गौर करें तो एन वन है ये एन है Having 50 and 60 as arithmetic mean, बताओ 50 60 क्या है? Mean है, तो ये हो गया एक्स वन बार ये हो गया एक्स टू बार क्या पूछा है कंबाइंड मीन बताओ फॉर्मूला क्या कंबाइंड मीन का एन वन एक्स वन बार तीस का मल्टीप्लाई कितना से उसके मीन पचास 50 से पंद्रह सो प्लस बीस का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किस से उसका मीन साठ से बारह सो पंद्रह सो और बारह सो और उसको डिवाइड किससे करेंगे पचास एन वन प्लस एन टू तीस और बीस का जोड़ पचास कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं पचास साठ को जोड़ एक सौ दस से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो ये नहीं करना देखो तो ये हो गया पंद्रह सो प्लस बारह सो डिवाइड किससे एन वन प्लस एन टू तीस और बीस पचास से डिवाइड कर दो आंसर फिफ्टी फोर ठीक है चेक करो अब ये क्लास में तो हो गया क्लास में हुआ ना एट्टी परसेंट चांस है कि वो मेरे ब्रेन से हुआ है और आपने बस देखा है आपको लगा हाँ ठीक बना है ये एट्टी परसेंट इधर से हुआ है तुम्हारे तो साइड से बीस परसेंट ही हुआ है जब तुम घर पे इसको इंडिपेंडेंटली करोगे ना तो फिर ये हंड्रेड परसेंट वन साइड हो जाएगा आपके साइड से एक बार दोबारा तब जाके सही होता है और नहीं बनेगा ना तो दिक्कत होगा तो फिर वही चीज पूछना है या करना है कि क्या क्यों नहीं बन रहा है क्या दिक्कत हो रहा है तो ये दोबारा घर पे जाके करना बहुत जरूरी होता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन देखो एक बार आप रीड कर लीजिए एवरेज सैलरी स्किल का दस हजार स्किल का एवरेज एंड ऑफ स्किल का एवरेज पंद्रह हजार और कंबाइंड सैलरी दिया बारह हजार मतलब कंबाइंड दे दिया कंबाइंड हो गया ये अब कौन कौन से दो ग्रुप है पहला अनस्किल्ड दूसरा स्किल्ड दोनों का दिया एवरेज दोनों को कंबाइन करके भी दिया एवरेज अब आपसे क्या पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर कितना परसेंट है? ये पूछा है. परसेंट को कितना, कितना होगा उसका रेशियो निकलेगा तो पहले बच्चा आप रेशियो निकालो एकदम उसी स्टाइल से लिखो जो पहले दिया ना अनस्किल्ड पहले मैंने नाम दिया था वन टू वन टू ग्रुप वन ग्रुप टू कहीं पर कुछ भी हो सकता है बॉयज का ग्रुप गर्ल्स का ग्रुप अनस्किल का ग्रुप स्किल का ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना उसी हिसाब से नाम दो ये है यू मतलब अनस्किल्ड एस मतलब मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पहले अनस्किल्ड ही दिया हुआ है जैसा क्वेश्चन हो ना बताओ अनस्किल का क्या दिया एवरेज दस हजार स्किल का एवरेज पंद्रह हजार कंबाइंड कंबाइंड बारह हजार गामन कहां ले दोगे दोनों के बीच में अब बताओ रेशियो किसका निकलेगा अनस्किल्ड और स्किल का कैसे तो ये डिफरेंस पहले और ये डिफरेंस बाद में तो बताओ 15000 12000 हजार, हजार में डिफरेंस 3000 और 10 और बारह में 2000 तो रेशियो मिला 3:2 इसमें कोई दिक्कत है तो पहले इसको चेक करो ठीक है हमें अनस्किल्ड और स्किल का चाहिए रेशियो तो ध्यान रखना पहले डिफरेंस किसका आएगा बाद वाले का स्किल वाला डिफरेंस पहले आएगा अनस्किल्ड वाला डिफरेंस उल्टा होता है उल्टा होता है वन का रेशियो चाहिए तो का डिफरेंस पहले का डिफरेंस बाद में तो ये रेशियो आ गया ये डिफरेंस इधर या फिर डिजाइन पे सेट कर लो ये 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 इसका इसका रेशियो ऐसे ऐसे मतलब बिना दिमाग का भी हो सकता है ये डिजाइन से भी मुझमें कोई कंफ्यून नहीं मतलब डिजाइनिंग पे ध्यान डिजाइनिंग पे ये ये लिखो मिक्स करो इस ऑर्डर चेंज करना इसका रेशियो ऐसे होगा उल्टा डिफरेंस कर दो तो तो का रेशियो मतलब क्या अगर फैक्ट्री में मतलब टोटल पांच ही वर्कर है तो वर्कर तीन है स्किल वर्कर दो ये मान मानकर चलो फैक्ट्री में टोटल पांच वर्कर है अनस्किल्ड तीन है स्किल्ड वर्कर दो है टोटल तो पांच है तो बताओ परसेंटेज ऑफ स्किल्ड कितना स्किल वर्कर कितना है टू कितने में पांच में कितना परसेंट हुआ स्किल वर्कर कितना है दो वर्कर है स्किल कितना में पांच में टोटल पांच है उसमें दो स्किल तो दो पांच का कितना परसेंट है ये क्वेश्चन पूछा है तो परसेंटेज पूछे तो फर्दर हम ऐसे निकाल देंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम पांच छह बार ऐसा पूछा ही पूछा है और ये क्वेश्चन सिर्फ मैथ का नहीं है. सिर्फ स्टेट का नहीं ये क्वेश्चन मैथ में भी है रेशियो जो पढ़ोगे उसमें टॉपिक आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल ऑफ एलिगेशन वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे हाँ हां क्या लिख दिए जीरो नजर नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूं फोर जीरो परसेंट ठीक है फोर्टी परसेंट ओके प्रॉपर्टी नंबर कौन सा लिख लिया हमने थ्री उससे रिलेटेड दो स्टाइल क्वेश्चन सीधा कंबाइंड मीन निकालना और दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा कंबाइंड मीन गिवेन हो तो रिवर्स में रेशियो निकालना या परसेंटेज निकालना ओके अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर फोर लिखो और प्रॉपर्टी नंबर फाइव लिखो अभी एक बच्चे ने पूछा सर डेविएशन क्या होता है तो मैं याद करो पिछले क्लास में मीन निकालने का दो मेथड बताया था एक बताया था डायरेक्ट मेथड दूसरा बताया था एजू मीन से डेविएशन मेथड तो डेविएशन क्या होता है जितने भी एक्स है सब में से कोई कांस्टेंट माइनस करोगे एनी कांस्टेंट माइनस करो इसी को हम क्या बोलते हैं डी फोर डेविएसन यही डेविशन है डेविएशन इज डिफरेंस ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए कांस्टेंट इज कॉल्ड डेविएशन अगर कांस्टेंट एक्स से छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा कांस्टेंट के एक्स से बड़ा होगा तो निगेटिव आएगा कोई डेविएशन पॉजिटिव हो सकता है कोई डेविएशन निगेटिव हो सकता है अगर मैं यहाँ पर के की जगह लिखता हूँ फाइव इसको हम बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम फाइव ठीक है ये चीज है तो अब इसी से रिलेटेड ये दो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर चार और प्रॉपर्टी नंबर पांच इसका मैं स्टेटमेंट इस लिखता हूं पहले सिंबल बाद में लिखेंगे क्या स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी चार का देखो सम ऑफ डेविएशंस ठीक है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एथमेटिक मीन इज इज ऑलवेज जीरो जो मैंने अंडरलाइन किया है ना ये दो स्टाइल से क्वेश्चन पूछेगा क्या लिखा मैंने सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो अब मैं इसका सिंबल दे रहा हूं मैं सिंबल दे रहा हूं क्या एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बार इसको क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे डेविएस फ्रॉम एथमेटिक मीन जब भी एक्स में से कुछ माइनस है ना तो क्या deviations. जो माइनस है ना वहां से क्या माइनस है एक्स बार क्या पढ़ेंगे तो ये हमने पढ़ा डेविएशन फ्रॉम एथमेटिक मीन का सम उसका सम इसमें क्या लगा दो सिग्मा तो ये लगा दिया सिग्मा अब इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ डेविशन फ्रॉम एथमेटिक मीन उसके बाद क्या लिखा है इज इज का मतलब मैथ में इक्वल होता है इक्वल के बाद क्या होता है जीरो होता है तो इस स्टेटमेंट का ये सिंबॉलिक रूप है और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो जितने भी एक्स है सब में से अगर हम मीन माइनस करेंगे उसको जोड़ेंगे तो पक्का जीरो ही आएगा चेक कर सकते हो ऑन एन एवरेज सब पचास पचास है और सब में से पचास पचास माइनस कर दोगे और उसका जोड़ोगे तो नेट इम्पैक्ट कितना आएगा जीरो ही आएगा करने का मतलब बहुत सारे वैल्यू दे दे पांच दस पंद्रह पांच दशमलव दो पांच दशमलव फ्रॉम एथमेटिक मीन उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्या बोलोग आंसर जीरो ये उसका मीन निकालेंगे फिर घटा घटा के फिर जोड़ेंगे पता चला जीरो ही आ रहा है ठीक है तो इसको

अगर मीन से नहीं लोगे डेविशन मीन के अलावा कहीं और से लोगे तो फिर वो जीरो नहीं आएगा पांचवा पॉइंट लिखते हैं पांचवा पॉइंट का भी एक स्टेटमेंट है ये थ्योरी में ही कभी आएगा तो थ्योरी में ही आएगा दो स्टाइल से सम ऑफ अगला नाम क्या आएगा देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फ्रॉम एथमेटिक मीन Is, is, always. अब हम क्या करेंगे डेवियशन लेंगे कहां से एथमेटिक मीन से डेवियशन फ्रॉम एथमेटिक बताता हूं जब भी ऑफ का लैंग्वेज होता है ना ऑफ का लैंग्वेज तो उल्टा पढ़ने पर उसका हिंदी सही बैठता है इज के बाद तो इक्वल टू हो गया इससे पहले देखो यहां हो arithmetic mean से होगा एथमेटिक मीन से डेवियशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसका स्क्वायर और फिर उसका सम तो 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 हो गया इक्वल टू इसमें आप जो तो पढ़ोगे ना तो आप यहां से पढ़ो एथमेटिक मीन से डेविएशन मतलब एक्स माइनस एक्स मीन एक्स माइनस एक्स मीन क्या है डेविएशन फ्रॉम मैथमेटिक मीन उसका क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर करो तो कुछ निगेटिव बार आता है कुछ पॉजिटिव बार आता है तो अब क्या होगा सारे पॉजिटिव हो जाएंगे अब ये जोड़ जीरो नहीं आएगा उसका सम सिग्मा लगा दो अब ये जीरो नहीं आएगा ये क्या आता है तो यहां पर लिखता हूं मैं इज ऑलवेज वो आता है मिनिमम या लिस्ट तो यहां पर आएगा मिनिमम या लिस्ट इसका स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा ये तो स्टेटमेंट हो गया सिंबल कैसा होगा तो देखो एक्स माइनस एक्स मीन एथेमेटिक मीन से डेविएशन का स्क्वायर स्क्वायर कर दिए का समय सन सिग्मा लगा दिए इक्वल टू में क्या लिखेंगे इक्वल टू में क्या होगा लिस्ट क्या समझ में आ इसका मतलब लिस्ट का मतलब उससे कम और नहीं होगा सबसे कम मान लो एग्जाम दिया और एक बच्चे का नंबर आया चारों पेपर मिला के दस नंबर आया दस से कम किसी का नहीं है उसका जो मार्क्स है ना लिस्ट का लिस्ट नीचे से टॉप कर गया मतलब मतलब कोई भी डेटा है ना उसमें तो लिस्ट वैल्यू उससे कम नहीं हो सकता हो सकता किसी और का भी दस हो सकता है इसका दस इसका भी दस मतलब दस से कम किसी का नहीं है दस सबसे कम है तो दो इक्वल हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं तो सुनो हम कहा से लेंगे डेविएशन मीन से उसको स्क्वायर करेंगे उसको जोड़ेंगे अगर ये वैल्यू बाई चांस किसी भी किसी भी डेटा के ऊपर मान लो आता है पचास पचास सबसे कम है इससे कम कहीं और से नहीं आएगा मतलब मीन से अगर पचास आता है मीन से लो डेविएशन स्क्वायर करो जोड़ दो कितना मिला पचास पचास सबसे कम है मिनिमम है इससे कम कहीं और से नहीं आएगा मतलब मीन के अलावा कहीं कुछ और ले लो वहां से लो डेविएशन स्क्वायर करो उसको जोड़ो तो वो जोड़ या तो पचास होगा या पचास से ज्यादा होगा उससे कम नहीं होगा तो ये एक प्रॉपर्टी है और यह भी कैसे पूछेगा दो स्टाइल से एक स्टाइल ये सीधा बला अंडरलाइन सीधा कर रहा हूं मैं ये जहां पर अंडरलाइन है ना वहां पर डैश होगा या लैंग्वेज होगा कैसे मैं फिर से बोलता हूं देखो फ्रॉम विच एवरेज फ्रॉम विच एवरेज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविशन इज मिनिमम, मीन मीडियन मोड फ्रॉम विच एवरेज जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि फ्रॉम विच एवरेज इसका मीन मीडियन मोड एवरेज मतलब मेन तीन चीज मेन मीडियम और किस एवरेज से डेविएशन का स्क्वायर का सम मिनिमम आता है मीन से और सीधा पूछेगा सीधा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो मिनिमम मैक्सिमम तो क्या बोलोगे मिनिमम या लिस्ट को एक ही ऑप्शन रहेगा तो ये जो चार नंबर और पांच नंबर है ये थ्योरेटिकली ही पूछेगा आपसे थ्योरेटिकली पूछेगा ठीक है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लिखो मिनिमम होगा तो हां ये चीज प्लस रहेगा ये चीज प्लस रहेगा स्क्वायर e को जोड़ोगे तो मिनिमम आएगा तो क्या रहेगा हमेशा प्लस ही रहेगा ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता देखो अकाउंट के पेपर में कम से कम कुछ भी नंबर है तो प्लस में रहेगा वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना बात समझो लेकिन मैथ में निगेटिव भी हो सकता है निगेटिव मार्किंग भी है तो कहने का मतलब कुछ चीज पॉजिटिव ही होता है कुछ चीज निगेटिव भी हो सकता है अब स्क्वायर करके जो जोड़ोगे तो कभी निगेटिव आएगा कभी नहीं जीरो तक हो सकता है कहां तक तो हो सकता है जीरो तक हो सकता है तो कौन का पेपर छोड़ के आ गया बिल्कुल जीरो माइनस वन नहीं हो सकता तो ये वही चीज है मिनिमम होगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में कुछ ना कुछ मिनिमम होगा अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर सिक्स इसके ऊपर क्या करोगे तीन स्टार दे दो या स्टार इतना दे दो कि चार तरफ घुमा के दे दो तो सही तो तो लगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये अब ये प्रॉपर्टी का हेडिंग दे दो आप इसका हेडिंग दो चेंज या ब्रैकेट में लिखोगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड शिफ्ट ऑफ स्केल ऐसे आप हेडिंग दे दो पहले चेंज लिखो चेंज ब्रैकेट में क्या लिखो शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन एंड शिफ्ट ऑफ स्केल यह एक हेडिंग है अब मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला यह प्रॉपर्टी मीन में मीडियम में मॉड में अप्लाई होता है थोड़ा फा चेंज होकर रेंज में क्वार्टाइल डिबेशन मीन डेवेशन स्टैंडर्ड में भी होता है थोड़ा हो सा अप्लाई होता है और थोड़ा सा रिग्रेशन में भी अप्लाई होता है ये प्रॉपर्टी कोरलेशन रिग्रेशन तक ये नाम आएगा आपके सामने और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है बहुत क्वेश्चन तो पहले तो हम समझाते हैं कि ये प्रॉपर्टी में इफ दो नाम का मतलब क्या है शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या है जितने भी एक्स है जितने भी एक्स है इसमें अगर आप कोई भी कांस्टेंट कोई कांस्टेंट इसमें प्लस करो या माइनस करो एडिंग अ कांस्टेंट और सबट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट इन ऑल वैल्यूज इसको बोलते हैं बच्चे चेंज ऑफ ओरिजिन इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन इसको आप मैथमेटिकली समझोगे हम क्या करेंगे जो डाटा है ना डाटा उसमें ओरिजिन का चेंज करेंगे स्केल का चेंज करेंगे मतलब जितने भी एक्स है पास कर रहा है इतना रिजल्ट नहीं चाहिए हमें सबका बीस नंबर कम कर दो सबका बीस बीस नंबर कम कैफा चेंज है एग्जाम्पल दे रहा हूं बोलो टेंशन में आ गया सबके नंबर कम हो रहा है मान लो कोई भी कंट्रोल है ना कोई कांस्टेंट प्लस कर दो या कोई कांस्टेंट माइनस कर दो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन एक्स प्लस टू चेंज ऑफ ऑरिजिन एक्स माइनस फाइव चेंज ऑफ ऑरिजिन अच्छा आप सबका जो भी अभी एज है जितना भी एज है तो बताओ चार साल बाद क्या होगा सबका एज सबका एज चार साल प्लस हो जाएगा कैफा चेंज हुआ ऑरिजिन का दो साल पहले एज क्या था सबका जितना अभी उससे सबका दो कम कर दो जो भी प्रजेंट डेटा है सब में फिर दो माइनस कर दो चेंज ऑफ ऑरिजिन और किसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल तो एक्स है इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किससे किसी कांस्टेंट से तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे चेंज ऑफ स्केल मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन किसको बोलेंगे कोई कांस्टेंट प्लस माइनस कर दो ऑरिजिन का चेंज कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो स्केल का चेंज कोई मुझे बताओ परसेंटेज में इंक्रीज हो या परसेंटेज में डिक्रीज इसको क्या बोलेंगे सब सबको दस परसेंट बढ़ा दो कैसा चेंज है ऑरिजिन का या स्केल का सबका दस परसेंट बढ़ाओगे तो आप गौर करो सब सबका मार्क्स कॉन्स्टेंट से नहीं बढ़ेगा जिसको ज्यादा नंबर होगा ज्यादा बढ़ेगा जिसका नंबर कम उसको कम बढ़ेगा परसेंटेज में चेंज मेरा पचास नंबर है तुम्हारा सौ नंबर है दस परसेंट बढ़ा देंगे तुम्हारा दस बढ़ेगा मेरा पांच ही बढ़ेगा तो ये नहीं हो रहा। सिंगल वैल्यू प्लस करना या माइनस करना अब देखो मेरा पचास है तुम्हारा सौ है दस परसेंट बढ़ाएंगे तुम्हारा कितना हो गया मेरा कितना हो गया पचपन चेक करो कैलकुलेटर में पचास प्लस दस परसेंट मेरा भी मैथ खराब है बचपन आ रहा है एक सौ है तो एक सौ प्लस दस परसेंट एक सौ दस आ रहा है ठीक है अब इसको तुम छोड़ दो दस परसेंट बढ़ाने का मतलब क्या पता है से मल्टीप्लाई करना सबको किससे मल्टीप्लाई करना से तुम क्या करो एक सौ को मल्टीप्लाई करो वन पॉइंट वन से एक सौ दस आएगा पचास को मल्टीप्लाई करोइंट वन से पचपन आएगा इसका मतलब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ सबको पांच परसेंट बढ़ाना है क्या करेंगे पता है वन प्लस पांच परसेंट करो वन पॉइंट जीरो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो सबको दस परसेंट बढ़ाना सबका तो सबका मल्टीप्लाई कितना से होगा 1 .1 से सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा ये कैसा चेंज स्केल का चेंज किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड स्केल का चेंज होगा ये बताओ बीस परसेंट बढ़ाना सबको तो क्या होगा वन पॉइंट टू से सबका मल्टीप्लाई सबका मल्टीप्लाई कितना से वन पॉइंट टू से तो परसेंटेज में अगर इंक्रीज डिक्रीज हो तो क्या होता है स्केल का चेंज अभी ये बस मैं चेंज ऑफ ऑरिजिन के बारे में समझा रहा हूँ अब प्रॉपर्टी क्या उस पर आ जाओ क्या आप सबका अभी एवरेज एज है एवरेज एज कितना होगा तुम्हारे क्लास का मान लो अठारह साल आ? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैथ चल रहा है कोई भी एग्जैक्टली exactly सही तो बता नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है तो मानना पड़ेगा किसी क्लास का एवरेज एज कितना एटीन ईयर्स बताओ व्हाट विल बी एवरेज एज आफ्टर टू ईयर्स सबका दो दो बढ़ जाएगा तो मीन भी दो बढ़ जाएगा तो कहने का मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन हुआ तो क्या चेंज ऑफ ऑरिजिन या चेंज ऑफ स्केल करने पे डेटा में चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल करने पे क्या मीन मिडर मोड पे फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना है पड़ना है बिल्कुल पड़ता है और कैसे पड़ता है पता है बड़ा सीधा सा पड़ता है दो प्लस करोगे तो दो बार प्लस हो जाएगा माइनस करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो तो उसी बात को मैं लिख रहा हूं तो बताओ चेंज चेंज ऑफ ऑफ ओरिजिन स्केल करने पे mean, median, पे मीन मीडियन मोड फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा अब ये जो छठा प्रॉपर्टी है खाली मीन का नहीं है ये मीन का भी है मीडियन का भी है, और मोड का भी है तो अब मैं उसका ना स्टेटमेंट के रूप में लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज क्या स्टेटमेंट है देखो आ, यहां लिख रहे स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट लिखोगे मीन ऑब्लिक मीडियन यह प्रॉपर्टी मीन का नहीं है तीनों का है तो मैं सब लिख रहा हूं मीन ऑब्लिक मीडियन ऑब्लिक मोड आर आर एफेक्टेड बाय बोथ आर एफेक्टेड बाय बोथ दोनों से एफेक्टेड होता है बाय बोथ दोनों से एफेक्टेड होता है कौन कौन सा तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड एंड चेंज ऑफ स्केल स्टेटमेंट समाप्त एग्जाम्पल अभी देंगे एग्जाम्पल और समझेंगे बट जनरल स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्टी का यही है मीन मीडियन मोड आर एफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ये प्रॉपर्टी है अब चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा अब एग्जांपल से मैं समझाता हूं कैसे तो स्टेटमेंट लिख लो आप पहले मीन मीडियन मोड आर एफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ठीक है और एग्जांपल देखो जैसे एग्जाम्पल मीन में होगा वैसे मीडियन में वैसे ही तो कोई एक चीज देख लेते हैं खाली अभी मीन पकड़ लेते हैं देखो एक्स बार एक्स का मतलब मार्क्स है आप सबका मार्क्स है उसका एवरेज हमने निकाल लिया एवरेज निकला जी सेवेंटी पेपर थ्री का एग्जाम हुआ था सबका किसी को सत्तर किसी को अस्सी किसी को नब्बे किसी को पचास किसी को चालीस एवरेज कितना निकला सत्तर एवरेज मार्क्स अब अगर मैं ये कहता हूं स्टेटमेंट में बोलता हूं और लिखूंगा सिंबल में अगर हम सभी का मार्क्स पांच बढ़ा देंगे एक्स प्लस पांच कर देंगे तो उसका मीन कितना होगा तो जो जो एक्स का मीन है वो पांच प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा आंसर पचहत्तर ऑल वैल्यूज इनक्रीज बाई फाइव वाट विल बी न्यू मीन सेवेंटी फाइव लिख कैसे रहे देखना ध्यान से एक्स प्लस फाइव बताओ एक्स में कैफा चेंज है ऑरिजिन का इसका मीन कितना होगा तो इस मीन को यहां ले जाओ एक्स का मीन प्लस इस मीन को यहां ले जाओ बताओ पांच का मीन कितना 5. 5 का मीन कितना Everybody. कौन सा प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी सब पांच है तो तो मीन कितना होगा 5, तो यो प्लस, 5 हो गया। तो प्लस करो ऐसे याद भी कर सकते हो प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा बताओ सब में से दो माइनस करेंगे सब का मार्क्स दो दो कम कर देंगे तो मीन क्या होगा जो एक्स का मीन है वो दो कम हो जाएगा सिक्सटी ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ ओरिजिन का प्लस माइनस हाँ देखिए ना आप ये लिखोगे ये लिखो आप ये आपको समझ में आ गया है कॉन्फिडेंस की कमी होगा इसलिए आप बोलते हो एक बार बताना है मैं अभी एक बार नहीं इसको तीन चार बार बताऊंगा सभी का मार्क्स डबल कर दो सबका डबल डबल सबका डबल कर दो मतलब क्या हो गया टू एक्स तो इसका मीन क्या होगा तो जो एक्स का मीन है वो डबल हो जाएगा एक सौ चालीस सबको पांच से डिवाइड कर दो सबको पांच से डिवाइड कर दो मीन कितना होगा तो मीन भी पांच से डिवाइड होगा सत्तर डिवाइड में पांच फोर्टीन सबको माइनस दो से मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू इंटू एक्स अब बताओ मीन कितना होगा तो मीन भी माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक सौ चालीस अब ये किसका एग्जांपल है स्केल का देखो सही से प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा माइनस करोगे तो माइनस इफेक्ट तो होगा कैसा इफेक्ट होगा एज इट इज प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो डिवाइड आज जिससे मल्टीप्लाई उतना से मल्टीप्लाई ठीक है स्केल का ही फर्क पड़ रहा है अब ये एग्जांपल मीन का है मीडियन में भी ऐसे ही होगा मॉड में भी ऐसे ही होगा अच्छा जितने भी x है सबको दो से मल्टीप्लाई करो उसमें पांच माइनस कर दो क्वेश्चन क्या होगा ऑल वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन 5 इज सबट्रैक्टेड व्हाट विल बी मीन ऑफ न्यू सीरीज इसका मीन क्या होगा अब मैं सिंबल में लिख रहा हूं बट यही चीज स्टेटमेंट में भी बोल के पूछा सकता है कि एवरेज ऑफ ए क्लास सेवेंटी ऑल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय टू एंड देन फाइव इज सबट्रैक्टेड व्हाट विल बी न्यू एवरेज तो यही सिंपल है क्या होगा तो जो एक्स का मीन है दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पांच तो बताओ 70 2 140 135 आइए किसका एग्जांपल है बोथ इसमें ऑरिजिन का भी चेंज है और बताओ इसमें ऑरिजिन क्या है माइनस पांच बताओ पांच स्केल क्या है टू मल्टीप्लाई डिवाइड स्केल प्लस माइनस ऑरिजिन तो ये इसका मतलब है अब ये एग्जांपल मैं मीन को लेकर समझा रहा हूं मॉड में भी ऐसे ही होगा मीडियन में भी ऐसे ही होगा कोई भी एग्जांपल देखो मान लो मैंने क्या लिखा ई मीडियन ऑफ एक्स इक्वल टू बारह ये मीन का एग्जांपल है ना एक एग्जांपल में मीडियन का भी लिख के देता हूं एम ई -E मतलब मीडियन ऑफ एक्स कितना है बारह अब हमने क्या किया कि भाई एक्स को दो से मल्टीप्लाई किया उसमें तीन प्लस कर दिया पूछा गया आपसे बताओ इसका मीडियम कितना होगा तो कोई दिक्कत नहीं।, नहीं है अब इसमें ज्यादा कैलकुलेसन करने की जरूरत नहीं है मीन मीडियन मॉड पे स्केल ऑरिजिन का इंपैक्ट इज आएगा तो क्या आंसर बोलो अब क्या कहोगे जो एक्स का मीडियन है वो दो से मल्टीप्लाई होगा और उसमें तीन प्लस होगा ये हो गया चौबीस और तीन सत्ताईस सिंपल सा प्रॉपर्टी है बस थोड़ा सा इसको चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल के नाम से भारी भरकम नाम दिया गया है अदरवाइज कुछ नहीं है सिंपल लग रहा है कि नहीं बताओ यस yes. कुछ लोगों ने फिर क्या कहा कि सर ये ये जो आप कर रहे हो देखने में ढंग से लिखो ढंग से क्या लिखो वो क्या बोला ये जो एक्स को से मल्टीप्लाई किया और पांच माइनस किया इसको कोई नाम दे दो इसको नाम दे दो वाई अब फिर ये क्या हो गया वाई बार छोटा सा सिंबल होगा बस इसको वाई नाम दे दो और क्या पूछो इतना बड़ा मत लिखो कि मीन ऑफ टू एक्स माइनस फाइव ऐसे नहीं कैसे लिखो एक्स माइनस फाइव को मतलब x में ओरिजिन का चेंज करो स्केल का चेंज करो उसका नाम क्या दे दो y अब पूछो y का मीन कितना ऐसे पूछो देखने में अच्छा लगेगा कैसे मैं बोल रहा हूं देखो ऐसे तो इसी चीज को ये जो प्रॉपर्टी है ना इसी को समझने का एक दूसरा तरीका और कुछ नहीं क्या बोला लोगों ने कि आप क्या करो ये एक्स है इसको बी से मल्टीप्लाई करो कैफा चेंज हुआ एक्स में स्केल स्केल का फिर उसमें प्लस क्या करो ए ए क्या चीज है ऑरिजिन ए अभी स्केल है आपने एक्स में चेंज किया हां ऑरिजिन का भी और स्केल का भी और इसको नाम क्या दे दो वाई ऐसे लिखो यहां पर ए क्या चीज है ऑरिजिन शॉर्ट में लिखते हैं अब क्या चीज है स्केल एक्स में ऑरिजिन का चेंज करो स्केल का चेंज करो और उसको नाम क्या दे दो वाई ऐसे लिखो y बराबर ऐसे अब फिर पूछो कि भाई y का मीन क्या होगा बताओ क्या होगा तो कि प्लस बताओ y का मीन कितना तो a प्लस बी एक्स मीन सेम कोई पूछेगा y का मीडियन कितना y का मीडियन पूछेगा तो क्या कहोगे a प्लस बी मीडियन ऑफ x दोनों आएगा ओरिजिन भी और स्केल भी पूछेगा वाई का मॉड कितना एम जीरो वाई का मॉड कितना क्या कहोगे ए प्लस बी मॉड ऑफ एक्स मतलब वाई मतलब क्या है ये इसका मॉड क्या होगा तो जो एक्स का मॉड है उसका बी से मल्टीप्लाई प्लस ए होगा तो ये थोड़ा सा बस इसमें ये स्टाइल चेंज कर दिया ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है वाई बराबर ए प्लस बी एक्स इसको कैसा इक्वेशन बोलते हैं मैथ में वाई बराबर ए प्लस बी एक्स को कैसा इक्वेशन बोलते हैं इक्वेशन इक्वेशन बताओ क्या ये है कि नहीं सबने देखा होगा ऐसा कोई नहीं हो सकता नहीं देखा हो लीनियर इक्वेशन एक्स की पावर वन वाई की पावर वन तो ये जो इक्वेशन है कैसा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई बताओ जैसा लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में होगा वैसा ही इक्वेशन दोनों दोनों के मीन में होगा, दोनों के में होगा दोनों के। अगर कोई दिया है, अगर इसके ऊपर तो लगा दो यहां मीन लगा दो, लगा यहां लगा दो, यहां लगा दो। ए और बी दोनों रहेगा मोड लगाना यहां लगा दो मोड यहाँ लगा दो मोड ए और बी बिल्कुल रहेगा तो इस प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने एक नया नाम और दिया लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है ना लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी क्या बताता है ये तो जैसा लीनियर रिलेशन एक्स वाई में होगा वैसा ही लीनियर रिलेशन दोनों के मीन में दोनों के मिडिल में दोनों के मॉड में होगा मतलब मीन लगाना है तो एक्स पे वाई पे मीन लगा दो मीडियन तो दोनों पे मीन लगा दो तो इसी प्रॉपर्टी को एक और नाम से जानते हैं दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड यस लीनियर रिलेशन प्रॉपर्टी बताओ लीनियर प्रॉपर्टी किसमें ट्रू है मीन में मीडियन में मॉड में या सब में सब में और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो वही एक्स वाई मान के तो ये प्रॉपर्टी का लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया अब एग्जाम्पल के लिए क्या होगा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ये देखो एक्स मीन पचास और बताओ वाई बराबर सिक्सटी प्लस टू एक्स तो क्या पूछेगा बोलो क्या पूछेगा वाई का मीन क्या होगा सुनो एक्स वाई में इक्वेशन दिया होगा एक्स का मीन दिया होगा तो वाई का मीन पूछेगा एक्स का मीडियन दिया होगा तो वाई का मीडियन पूछेगा एक्स वाई में इक्वेशन दिया होगा एक्स वाई में रिलेशन पक्का दिया होगा उसके बाद एक्स का मॉड दिया है तो वाई का मॉड पूछेगा तो कुछ नहीं बस क्या करना है ये जो लीनर इक्वेशन है बताओ दोनों पे क्या चिपकाएंगे एक्स और वाई पे मीन 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 का क्वेश्चन है वाई पे मीन सिक्सटी प्लस टू एक्स मीन अब यहां पर पुट कर दो साठ प्लस टू एक्स मीन कितना कितना क्या आंसर देखो बस फिर ये बताने का एक नया स्टाइल है और अदरवाइज कुछ नहीं है ये बहुत सिंपल देखो अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं टू यू प्लस थ्री वी इक्वल टू मै साठ अब आप कहोगे सर ये u और v कहां से आ गया कुछ नहीं क्वेश्चन लिखना है वाले का मर्जी वो एक्स वाई लिखे चाहे यू भी लिखे ये वेरिएबल कोई भी लिख सकता है ये हो गया तो बताओ u में और v में कैसा इक्वेशन है लीनियर अब अगर मैं v का मोड देंगे तो क्या पूछेंगे U का मोड कुछ पूछा देखना ध्यान से दोनों में से कोई एक दिया होगा दूसरा पूछेगा अगर मैं यू का मीडियन दे दू तो क्या पूछूंगा वी का मीडियन तो कुछ नहीं बस दोनों पे मीडियन मीडियम लगा दोगे आ जाएगा आंसर तो मैं लिख देता हूं यहां पर एम ई मीडियन ऑफ यू बराबर यू का मीडियन यू का मीडियन कितना है सिक्स तो बताओ मीडियन ऑफ वी कितना कुछ ने लीनियर इक्वेशन जैसा समझ लो एक्स वाई का इक्वेशन दिया है एक्स दिया तो वाई पूछेगा वाई दिया तो एक्स पूछेगा उसी इक्वेशन से आ जाएगा उसमें इग्नोर किसी को नहीं करना ऑरिजिन भी लेकर चलना है स्केल भी लेकर चलना है बताओ यहां पर ये टू क्या चीज है स्केल स्केल थ्री क्या है स्केल मल्टीप्लाई है ना ये साठ जो कॉन्स्टेंट ये क्या है ऑरिजिन इसमें सब कुछ रहेगा ऑरिजिन भी रहेगा स्केल भी रहेगा मल्टीप्लाई वाला स्केल होता है जो कांस्टेंट है वो ऑरिजिन होता है तो बताओ क्या आएगा आंसर इस इक्वेशन को यहां लेके आ जाओ और क्या लिखोगे टू यू यू मतलब मीडियन ऑफ यू एक लाइन में लिख देता हूं प्लस थ्री मीडियन ऑफ वी इक्वल टू में सिक्सटी सब कुछ आएगा स्केल भी ऑरिजिन भी ये कितना दिया है टू इन टू में सिक्स प्लस थ्री मीडियन ऑफ वी इतना लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लो फर्स्ट टाइम तो जरूर लिखो सोल करना में इतना टाइम नहीं लगेगा ये बारह उधर भेज दो बताओ मीडियन ऑफ वी कितना आएगा साठ माइनस बारह अड़तालीफ डिवाइड में तीन कितना आंसर सोलह कैसा लग रहा है है ना तो आप अब ये प्रॉपर्टी यहां पर ऑरिजिन भी आ रहा है स्केल भी आ रहा है सब कुछ आ रहा है थोड़ा थोड़ा चेंज होकर ये आगे भी अप्लाई होता रहेगा बट यहां पर निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा आप क्वेश्चन नंबर दस और क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखना ऐसे बन जाएगा मैनुअली ही बन जाएगा दस नंबर क्वेश्चन ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखो बना के छोड़ो यहां देखो ना दस नंबर क्वेश्चन देखो यू में और वी में क्या दिया ली ने क्वेश्चन इधर यू का मीन पता है तो वी का मीन कितना मीन लगा दो मीन बाई टू यू मीन प्लस वी मीन इक्वल टू में सेवन यू का मीन कितना दस फुट दस दूनी बीस ओ मैंने गलत लिखा है प्लस सात है इक्वल टू में जीरो हाँ यू का मीन कितना दस दस इन टू में दो बीस अब बीस और सात सत्ताइस सताइस गया उधर माइनस सत्ताईस वी का मीन माइनस सत्ताइस ये क्वेश्चन है ग्यारह ये किसका मीन दिया है वाई का मीन दिया है दस तो किसका मीन पूछा है मीन मतलब मीन पूछा है किसका वाई को पांच से इंटू दस माइनस करेंगे तो क्या होगा वाई का मीन दिया है क्या पूछा वाई को पांच से इंटू क्या दस माइनस तो वाई का मीन पांच से इंटू दस माइनस यस कौन सा आंसर ऑप्शन बी चेक करो सही से कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर एक से लेके ग्यारह तक जो क्वेश्चन है बना के लाएंगे बना के कैसे लाओगे ये क्लास वर्क है इसमें मैं बनाऊंगा तुम लोग समझोगे उसको नोट करोगे देखोगे क्लास वर्क क्वेश्चन मैं तो ये पूछ रहा हूं इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है एक नंबर दो नंबर तीन चार पांच और छ देखने में बचा हुआ है अदर वाइज मैं ये क्लास में करवा चुका हूं समझ रहे हो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या बताओगे कर चुके हैं आप पहचानो फटाफट वेरिएबल क्या दिया एक दो तीन चार पांच फ्रीक्वेंसी भी आंसर आंसर अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इस बात का पूरा गारंटी है जो पढ़ के जाओगे वापस मुझे ही करके जाओगे ये समझ लो आप कॉपी देखो कॉपी देखो पहला क्लास कॉपी देखो एक्स दिया एक दो तीन चार पांच और फ्रीक्वेंसी भी है एक दो तीन चार पांच काफी टाइम लगा लगा के बताया था फॉर्मूला भी बताया था एक याद कर जाने के लिए टू एन प्लस वन बाई थ्री मीन टू एन प्लस वन बाई थ्री टू एन टू इन टू में पांच दस प्लस ग्यारह ग्यारह बटा तीन कौन सा आया था आंसर रिवाइज नहीं करोगे तो नॉर्मल सफेनो में न याद नहीं रहेगा याद आएगा कुछ टू एन प्लस वन बाई थ्री वही तो क्वेश्चन है ये कैसे बनाओगे पांच नंबर ये क्या चीज है और ये क्या चीज है क्या है W वेट कैसे बनेगा मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे अब किससे डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे सम ऑफ W से बोलो आंसर आठ इंटू तीन चौबीस प्लस दो छब्बीस प्लस तीस छप्पन छप्पन डिवाइड में सम ऑफ वेट टेन फाइव पॉइंट सिक्स कौन सा आंसर बी। बाकी ये क्वेश्चन नंबर एक और दो है तो तीन का आंसर बोलो फटाफट एक दो तीन चार पांच एन तक मीन कितना एन प्लस वन बाई फर्स्ट का आंसर फटाफट बोलो फर्स्ट का आंसर कौन सा सीरीज है ये एपी सीरीज एपी सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट देख लो दो प्लस दो प्लस दो प्लस कौन सी सीरीज है एपी सीरीज मीन क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू ये सेकेंड क्वेश्चन का मीन कोई भी निकाल सकता है सबको जोड़ोगे जीरो प्लफ, तीन प्लफ, 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 प्लस तीन प्लस पांच प्लस छह प्लस सात प्लस नौ किससे डिवाइड एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा और चार नंबर क्वेश्चन भी क्या करेंगे इसका मीन कितना दिया है थ्री फाइव एक्स बारह सत्रह का मीन कितना है नाइन तो एक्स पूछा है कैफे लगाओगे तो भाई इसका मीन कैफे निकालोगे लिखेंगे थ्री प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस बारह प्लस सत्रह डिवाइड में पांच इक्वल टू में नाइन एक्स आ जाएगा ठीक है तो एक से ग्यारह तक क्वेश्चन हुआ है सारा कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करना पिछला क्लास और ये वाला क्लास उसके बाद एक से ग्यारह क्वेश्चन एक रफ कॉपी और रखना इसके अलावा रखो रफ ठीक है उसमें बस और एक बार प्रैक्टिस करना कोई नहीं बने तो क्यों नहीं बने तो फिर मेन में देखना ठीक है तो कैसे पढ़ाई करोगे रिवाइज करना फिर एक से ग्यारह तक दोबारा बना के आना ओके थैंक यू